हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, वेलकम बैक। स्वागत है आपके अपने फेवरेट मूवी रिकैप चैनल सिनेमा कैफे में। कहानी की शुरुआत सन 1940 के शंघाई शहर से होती है, जहां हम देखते हैं कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं ने शहर को अपने चंगुल में ले रखा है। कई तरह के गैंग सत्ता के लिए होड़ कर रहे हैं, जिनमें से सबसे खतरनाक है द एक्स गैंग, जिसका नेतृत्व कुख्यात और नामी गुंडा ब्रदर सुम करता है। और इस गैंग का नाम भी ब्रदर सुम के सबसे पसंदीदा हथियार पर ही रखा गया होता है। कानून व्यवस्था के अभाव में आम लोग केवल शहर के गरीब इलाकों में ही शांति से रह सकते हैं, जिन इलाकों को गरीबी के कारण क्रिमिनल गैंग्स पसंद नहीं करते। ऐसा ही एक इलाका है पिग स्टाई एली, जहां अलग अलग व्यवसायियों के लोग भाड़े के मकानों में शांति से रहते हैं और अपना कामकाज करते हैं। पिग स्टाई एली सोसाइटी को चलाने का काम एक बहुत ही फनी टाइप का जमींदार, जिसे लड़कियों से चिपकने की आदत होती है, वो करता है और उसकी दमंग पत्नी दोनों साथ मिलकर करते हैं। एक दिन दो आवारा लड़के सिंह और बोन, जिनको क्रिमिनल्स बनने का कुछ ज़्यादा ही शौक रहता है, पिग स्टाई एली में आते हैं एक्स गैंग के मेंबर्स होने का नाटक करके, ताकि वो लोगों को डरा धमका के उनकी इज्जत पा सकें। उनका फालतू का प्लान बुरी तरह फेल हो जाता है और सिंह की हरकतों की वजह से असली गैंग मेंबर्स की नज़र पिग स्टाई एली के घटनास्थल पर पड़ जाती है। फिर क्या, उसके बाद भयानक लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और आखिरकार 50 से ज़्यादा एक्स गैंग के सदस्यों को पिग स्टाई एली में रहने वाले बस 3 लोग मिलकर बुरी तरह पीट देते हैं और उन्हें पराजित कर देते हैं। 3 लोग दिखने में तो आम इंसान ही लगते हैं, मगर असल में बहुत ही पावरफुल कुंग फू मास्टर्स होते हैं, जिनके नाम होते हैं कूली, मास्टर ऑफ द 12 किक्स, टेलर, मास्टर ऑफ द आयरन फिस्ट एंड डोनट, मास्टर ऑफ द हेक्सागन स्टाफ। भयंकर लड़ाई के बाद एक्स गैंग का बॉस ब्रदर सुम सिंह और बोन को एक्स गैंग को परेशान करने के लिए और पब्लिकली बेइज्जत करवाने के आरोप में पकड़ लेता है। तब जाके सिंह अपना असली हुनर दिखाता है और उन जंजीरों के तालों को झट से खोल देता है जिनसे वो बंधे हुए थे, और दोनों अपनी जान गंवाने से बाल बाल बचते हैं। उसके बाद सिंह ब्रदर सुम को गुजारिश करता है कि वो उसको और अपने साथी बोन को एक्स गैंग के सदस्य बना ले। सिंह के ताले खोलने के कौशल और हुनर से प्रभावित होकर ब्रदर सुम सिंह को बोलता है कि वो अगर बस एक इंसान को जान से मार सके, तभी वो एक्स गैंग का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाई हो सकता है, वरना नहीं। सड़क पर बैठकर सिंह और बोन अपनी असफलताओं पर दुख जाहिर करते हैं, जब सिंह अपनी एक बचपन की कहानी सुनाता है कि बचपन में उसने एक भिखारी से एक किताब खरीदी थी जिसमें कुंफू के कई सारे टेक्निक सिखाए गए थे, जिनमें सबसे गजब की टेक्निक थी द बुद्धिस्ट पाम टेक्निक। इस किताब को खरीदने के लिए सिंह ने अपने तब तक के लाइफ की सारी जमा पूंजी खर्च कर डाली थी। फिर उसने उन टेक्निक्स पे बहुत सारी प्रैक्टिस भी की थी, मगर जब उसने एक गूंगी लड़की को कुछ बदमाश गुंडे बच्चों से बचाने की कोशिश की, जो कि उस लड़की का लॉलीपॉप छीन रहे थे, तब वो सीखी हुई टेक्निक्स बुरी तरह विफल हुई और उन गुंडों ने सिंह को अच्छी तरह पीट पाट दिया। इस घटना के बाद सिंह ने यह तय कर लिया कि अच्छे इंसानों की हमेशा हार ही होती है, और उस दिन से उसने क्रिमिनल बनने की ही ठान ली। अपनी कहानी सुनाने के बाद सिंह और बोन एक आइसक्रीम बेचने वाली लड़की से आइसक्रीम चुरा के ट्राम में चढ़ के भाग निकलते हैं और अपनी इस छोटी सी जीत पे लड़की पे पागलों की तरह हंसते हैं। अगले दिन सिंह और बोन पिग स्टाई एली के दबंग मकान मालकिन को जान से मारने के लिए पहुंच जाते हैं, मगर अपनी अयोग्यता के चलते बहुत ही हास्यपूर्ण ढंग से असफल हो जाते हैं और उनकी अच्छी खासी बेइज्जती भी होती है। मकान मालकिन के गुस्से से दोनों बाल बाल बचते हैं। इस घटना के बाद सिंह बुरी तरह घायल हो जाता है और एक ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल के प्लेटफॉर्म में छिप जाता है, जहां उसके घाव अपने आप ही भर जाते हैं। अपने घावों को चमत्कारी तरीके से भरने के दौरान वो ट्रैफिक कंट्रोल प्लेटफॉर्म के स्टील से बने किनारों पर अपने हाथ से अनजाने में ही बहुत जोर जोर से प्रहार करता है, जिससे उसके हाथ के गहरे छाप उस पर पड़ जाते हैं। ठीक होने के बाद सिंह वापस जाके बोन से मिलता है, मगर कैसे वो इतने अजीबोगरीब ढंग से ठीक हो गया है ये समझाने में एकदम असमर्थ रहता है। पिग स्टाई एली के बस 3 लोगों से अपनी गैंग मेंबर्स की बुरी तरह हार से गुस्साया हुआ ब्रदर सोमोन से बदला लेने की ठान लेता है। वो 2 प्रोफेशनल किलर्स को हायर करता है, जो वैसे तो म्यूजिशियंस होते हैं, जो गुकिन नामक एक प्राचीन चाइनीज म्यूजिकल यंत्र को बजाते हैं, मगर असल में वो एक जादुई यंत्र होता है, जिससे निकली हुई म्यूजिक की तरंगे इतनी धारदार होती हैं कि अपने सामने किसी चीज को भी मक्खन की तरह काट देती हैं। ये 2 म्यूजिशियंस रात के टाइम पिग स्टाई एली पे हमला करते हैं। उसी टाइम पे वो 3 कुंफू मास्टर्स कूली, टेलर और डोनट पिग स्टाई एली को छोड़ के जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको वहां से जाने के लिए बोला गया होता है, ताकि पिग स्टाई एली के लोगों पे और मुसीबतें लड़ाई झगड़े की वजह से ना आए।
उसके बाद बहुत भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है और कूली टेलर और डोनट कुंफू मास्टर्स होने के बावजूद उन दो म्यूजिशियंस के सामने बुरी तरह परास्त हो जाते हैं। तब जाके मैदान में मकान मालिक और मकान मालकिन उतरते हैं और उन दो म्यूजिशियन किलर्स को और एक्स गैंग के मेंबर्स को हरा के वहां से खदेड़ देते हैं। जब हमको पता चलता है कि ये पति पत्नी की जोड़ी असल में और भी ज्यादा ताकतवर कुंफू मास्टर्स होते हैं। इस भीषण लड़ाई के बाद कूली टेलर और डोनट तीनों की ही बहुत भयंकर तरीके से मौत हो जाती है। उसके बाद मकान मालिक और मकान मालकिन अपने पिक स्टाई एली के किरायेदारों की चिंता करते हुए और उनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए पिक स्टाई एली छोड़ के चले जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि सिंह और बोन का ट्राम में एक बैंक के क्लर्क के साथ तुतुमेमे हो जाता है और वो फुसड्डी सा बैंक क्लर्क भी अकेले ही दोनों को पीट देता है और बेइज्जती कर देता है। अपनी बेइज्जती से झल्लाया हुआ सिंह गुस्से में अपनी भड़ास निकालने फिर उसी आइसक्रीम वाली लड़की के पास पहुंच जाता है जिससे पहले उसने आइसक्रीम चुराया था और उसे चाकू से डरा धमका के उससे पैसे चुराने की कोशिश करता है। जब उसे पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वही गूंगी लड़की है जिसको बचपन में सिंह ने बदमाशों से बचाने की कोशिश में पिट गया था और जिसके बदले लड़की ने अपना लॉलीपॉप तोहफे में सिंह को देना चाहा था। उसी लॉलीपॉप को इतने सालों बाद फिर से देख के सिंह को सारी बीती बातें याद आ जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और बोन को अपने सारे चुराए हुए पैसे देकर हताशा में सिंह बोन को मार के भगा देता है जब उसे एक्स गैंग के कुछ सदस्य उठा के ले जाते हैं। ब्रदर सुम जो पहले सिंह के ताले खोलने की हुनर से काफ़ी प्रभावित हुआ रहता है सिंह को बोलता है कि वो चाहता है कि सिंह उसकी मदद करे और एक पागल खाने से द बीस्ट को रिहा करके ले आए जिसे दुनिया का सबसे वहशी खूनी दरिंदा सुपर कुंफू मास्टर भी माना जाता है। द बीस्ट को जेल से रिहा करके एक्स गैंग के हेडक्वार्टर्स में ले आया जाता है। हालांकि उसका ढुलमुल रवैया और गंदा रूप ब्रदर सुम और उसके गैंग को हैरान कर देता है और वो शक करने लगते हैं कि ऐसा भिखारी टाइप का इंसान कैसे सुपर कुंफू मास्टर हो सकता है जिससे पूरी दुनिया थरथर कांपती है। हालांकि बहुत जल्द ही वो लोग आश्वस्त हो जाते हैं जब द बीस्ट अपने ही सर पर बंदूक रख के पॉइंट ब्लैंक चलाता है और गोली को अपनी खोपड़ी तक पहुंचने से पहले ही अपनी दो उंगलियों से रोक लेता है। फिर बीस्ट जेल से छूटने के बाद पहली बार अपना मुंह खोलता है और बोलता है कि कुंफू की दुनिया में स्पीड ही सब कुछ है। पर बहुत जल्द ही द बीस्ट की रुचि ब्रदर सुम में और उसके गैंग में बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और वो मकान मालिक और मकान मालकिन के पास आ जाता है जो उस कसिनो में एक्स गैंग के गिरोह के साथ निपटने आए हुए रहते हैं। उसके बाद तीनों सुपर कुंफू मास्टर्स एक दूसरे के साथ दो दो हाथ करने लगते हैं। पहले तो मकान मालिक और मालकिन बीस्ट के शक्तियों के सामने थोड़ा हारते हुए दिखाई देते हैं मगर आखिरकार जब मकान मालकिन एक विशाल घंटे के ऊपरी हिस्से को तोड़ के उसे एक साउंड एम्पलीफायर मेगाफोन के रूप में इस्तेमाल करती है तब उसकी स्पेशल पावर द साउंड टेक्निक द लायंस रोर और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है और द बीस्ट इतने तीव्र ध्वनि के तरंगों के सामने नतमस्तक हो जाता है। घायल हुआ पड़ा बीस्ट आत्मसमर्पण करने का नाटक करता है और धोखे से मकान मालकिन और मकान मालिक पर जहरीले कांटों से हमला करने का प्रयास करता है। हालांकि वो असफल हो जाता है लेकिन उसके हमले का मुकाबला करने के लिए मकान मालकिन और मकान मालिक को अपने शरीर को उसके शरीर के साथ लॉक करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और फिर तीनों हिलने डुलने में असमर्थ हो जाते हैं। ब्रदर सुम सिंह को ऑर्डर करता है कि वो इस बॉडी लॉक पोजीशन में मकान मालिक और मालकिन को मार डाले मगर न जाने सिंह के मन में क्या चलता है वो ब्रदर सुम को पहले तो जोर से मारता है फिर लकड़ी का मोटा डंडा जोर से द बीस्ट के सर पे दे मारता है। गुस्से से पगलाया हुआ बीस्ट अपना बॉडी लॉक किसी तरह तोड़ देता है और फिर सिंह को घूसा मार मार के उसका फालूदा बना देता है। सिंह को मरा हुआ समझ के जब बीस्ट दूसरी तरफ मुंह करता है उस मौके का फायदा उठा के मकान मालिक और मालकिन सिंह के अधमरे शरीर को ले उड़ते हैं। उनको भागते देख ब्रदर सुम बौखला उठता है और बीस्ट पे चिल्लाने लगता है मगर बीस्ट एक जोरदार घूंसे से ब्रदर सुम की पूरी मुंडी घुमा के मौत के घाट उतार देता है। इक्स्टाई एली में मकान मालिक और मालकिन उसको सर से पांव तक पट्टियों में लपेट देते हैं और प्राचीन चाइनीज दवाइयों से उसका इलाज करते हैं। पति पत्नी की जोड़ी ये देख के बहुत हैरान होती है कि कितनी जल्दी सिंह अपनी घावों से उभर रहा होता है। असल में द बीस्ट की मार के बाद सिंह के शरीर का चीफ फ्लो रिलीज हो जाता है और दुनिया के सबसे महानतम कुंफू जीनियस के रूप में उसका कायापलट होता है। एक्स गैंग के लोग द बीस्ट के साथ पिक्स्टा याली पहुंच जाते हैं और सिंह के साथ भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। सिंह बड़े ही आराम से एक्स गैंग के सारे लोगों को मक्खी की तरह मसल देता है। हालांकि द बीस्ट थोड़ा बहुत मुकाबला कर लेता है और उसकी द टोट टेक्निक सिंह को आसमान में रॉकेट की तरह उछाल फेंकती है मगर सिंह
जैसे ही आसमान से नीचे उतरने लगता है, वो वही बचपन में उस भिखारी से ली हुई किताब से सीखी द बुद्धिस्ट पाम टेक्निक का इस्तेमाल बीस पे करता है, जिससे द बीस जमीन पे चारों खाने चित होकर गिर पड़ता है और उसके चारों तरफ जमीन पे एक विशाल हाथ के आकार का गड्ढा बन जाता है। फिर से बीस सरेंडर करने का नाटक करता है और सिंह को जहरीले कांटे से धोखे से मारने की कोशिश करता है, जैसा उसने मकान मालिक और मालकिन के साथ भी किया था। इसे देख सिंह फिर से अपने द बुद्धिस्ट पाम टेक्निक का प्रदर्शन करता है, जिससे एक तीन मंजिले मकान पर एक विशालकाय हाथ के आकार का गड्ढा पड़ जाता है। हालांकि वो जानबूझकर बीस्ट को नहीं मारता, बस अपनी ताकत का झलक दिखाता है। इसे देख बीस्ट स्तब्ध हो जाता है और सिंह से पूछता है कि उसने अभी कौन से टेक्निक का इस्तेमाल किया, तो सिंह बोलता है कि वो उसे सिखा सकता है। इसे सुन द बीस्ट रोते हुए सिंह के पैरों पर घुटने टेक देता है और सिंह को अपने गुरु के रूप में उस दिन से स्वीकार कर लेता है। क्योंकि लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सिंह और बोन ने अपनी एक कैंडी शॉप खोल ली है, जहाँ पे वो छोटे बच्चों को कैंडी बेचते हैं। आइसक्रीम बेचने वाली गूंगी लड़की उनके दुकान के सामने से गुजरती है, जब सिंह दुकान से बाहर आके उससे मिलता है और दोनों फिर से एक दूसरे को अपने बचपन के रूप में देखते हैं और सिंह हाथ पकड़ के उसे दुकान के अंदर प्यार से ले जाता है। मकान मालिक और मालकिन और पिगस्टाई एली के और लोगों को सामान्य नागरिक के रूप में दिन का आनंद लेते हुए दिखाया जाता है। दुकान के बाहर वही भिखारी जिसने सालों पहले सिंह को द बुद्धिस्ट पाम टेक्निक किताब बेची थी, एक लॉलीपॉप खा रहे बच्चे को बहुत सारे मार्शल आर्ट टेक्निक्स की किताबों में से चयन करने की पेशकश करता है और इसी के साथ दोस्तों फिल्म का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, ऐसी परफेक्ट फिल्म्स दर्शकों में केवल एक बार ही आती है। हो सके तो पूरी फिल्म एक बार ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को कैसी लगी ज़बरदस्त मूवी की एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हो सके तो एक सब्सक्राइब करिए और लाइक भी कर दीजिए। मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन मूवीज़ की रिकैप वीडियोज़ लाता रहूँगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए मूवी और एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।